जय हिंद। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एक पब्लिक रैली के एड्रेस के दौरान रिजर्वेशन पे कमेंट किया और स्पेशली मुस्लिम रिजर्वेशन पे कमेंट किया, और उसके बाद से एक डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो गया है। अटैक काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, कितना सही है कितना गलत है, उसमें आज अपन नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने कमेंट किया है तो उसकी वजह से रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन एक बार फिर से डिबेट में आ गया, डिस्कशन में आ गया, और इस रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की ब्रीफ हिस्ट्री की बातचीत करता है ये आर्टिकल। और जब हम कहते हैं कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ है, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमारा देश जो कि एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्या? दूसरा सवाल ये आता है कि मुस्लिम लोग जिनको रिजर्वेशन देने की बातचीत हो रही है, जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमेंट किया है, उनको रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के कोटा में से काट के दिया जा रहा है क्या? और तीसरा सवाल ये आता है कि शेड्यूल कास्ट जिसको रिजर्वेशन दिया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते हैं, तो क्या शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो रिलीजन के बेस पे दिया जा रहा है? और यही फंडामेंटल क्वेश्चंस को एड्रेस करता है ये आर्टिकल। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खूबसूरत आर्टिकल है ये। हम बात करेंगे कि इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिजर्वेशन को लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन से इंडियन स्टेट्स ने कैसे डील किया है, और वेरियस कमेटीज़ और कमीशंस क्या कहती हैं इस रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को लेके, उस सब के बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स को, उन सबको शेयर करो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डाउट भी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले सवाल आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल शुरू होता है इस चीज़ के साथ में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी से आगे बढ़ के इक्विटी की बातचीत करता है। इक्वलिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एडवांटेज में हो या डिसएडवांटेज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सिचुएशन क्या है। इक्वलिटी बड़ा सिंपली ये कहती है कि सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इक्विटी बात करती है फेयरनेस की। इक्विटी देखती है कि कौन एडवांटेज पे है, कौन डिसएडवांटेज पे है। इक्विटी देखती है कि सिचुएशन क्या है, और अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो कि पिछड़ा हुआ रह गया है, किसी भी कारण की वजह से पिछड़ा हुआ रह गया है, तो उसको बराबर लाने के लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको बराबर लाने के लिए स्पेशल मेजर्स दिए जा सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी से आगे बढ़ के इक्विटी की बातचीत करता है। फॉर्मल इक्वलिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम फॉर्मल इक्वलिटी को फॉलो करें तो इसका नुकसान उन ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा है जो कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज में रहे हैं। और दूसरा सब्सटेंटिव इक्वलिटी होता है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी आउटकम की इक्वलिटी को प्रमोट करता है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी आपकी सिचुएशन को देखता है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी ये देखता है कि कहीं आप पिछड़े हुए तो नहीं हो, किसी भी रीज़न की वजह से पिछड़े हुए तो नहीं हो, और अगर आप समाज में पिछड़े हुए हो तो आपको बराबर लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, आपको बराबर लाने के लिए स्पेशल मेजर्स लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1973 के केस में ये कहा कि इक्वलिटी इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट विद मैनी आस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, इट कैन नॉट बी क्रिप्ड कैबिंड एंड कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल लिमिटेशंस, कि इक्वलिटी डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, उसको ट्रेडिशनल लिमिटेशंस में नहीं बांधा जा सकता। सिर्फ ये कह के कि इक्वलिटी का मतलब सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, बदलता हुआ कॉन्सेप्ट है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो पिछड़ा हुआ रह गया है, और अगर कोई पिछड़ा हुआ रह गया है तो फिर हमें आउटकम के इक्वलिटी पे काम करना पड़ेगा। वो जो पिछड़ा हुआ ग्रुप है उसको बराबर लाने के लिए अगर कोई अफर्मेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, अगर कोई स्पेशल मेजर लेने की ज़रूरत है, तो वो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिजर्वेशन को लेके, और ये जितने आर्टिकल्स आज अपन पढ़ने वाले हैं इस अपने आज के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में, इन सब आर्टिकल्स की बातचीत
हमने अपने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के सीरीज में बहुत ढंग से किए, बहुत डिटेल में किए। अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है, नहीं याद है, तो जाओ प्लेलिस्ट खोलो और देखो इन आर्टिकल्स के बारे में, बहुत ढंग से बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, स्टेट अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ओनली, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कि सिर्फ रिलीजन के ग्राउंड्स पे, सिर्फ रेस के ग्राउंड्स पे, सिर्फ कास्ट के ग्राउंड्स पे, सिर्फ सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके अलावा कोई अगर दूसरा ग्राउंड है तो उस ग्राउंड पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया, और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्टेट को ये पावर देता है कि स्टेट जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली अगर दोनों को कंबाइंड करके देखोगे, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो आपको समझ में आएगा कि 15 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, लेकिन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन 15 क्लॉज 4 ये कह रहा है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड है, तो उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस लेकर आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, कि एम्प्लॉयमेंट में सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ओनली, यहाँ भी ओनली इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। एक तरफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, 16 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी एम्प्लॉयमेंट के केस में, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। लेकिन फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ऐसे सिटीजन्स, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो कि स्टेट की सर्विसेज में एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनके फेवर में रिजर्वेशन दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट में एम्प्लॉयमेंट के केस में, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। लेकिन फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है जो कि सर्विसेज में एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसको स्टेट रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है इक्विटी के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है अफर्मेटिव एक्शन के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है तो उनको बराबर लाने के लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस भी लेकर आ सकती है, सरकार अगर चाहे तो रिजर्वेशन भी दे सकती है। अच्छा, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? 1962 में एमआर बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदूज में कास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम सोशल बैकवर्डनेस के बारे में एसेस करते हैं, सोशल बैकवर्डनेस के बारे में पता करते हैं, तो हिंदूज में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनकी सोशल बैकवर्डनेस का पता करने के लिए, बिकॉज हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये इकलौता ग्राउंड नहीं हो सकता सोशल बैकवर्डनेस का। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि किसी स्टेट में मुस्लिम्स, किसी स्टेट में क्रिश्चियंस, किसी स्टेट में जैंस भी हो सकते हैं जो कि सोशली बैकवर्ड हों, और उन पे नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि हिंदूज वाली कास्ट अप्लाई हों, उनमें वो हिंदूज वाली कास्ट नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है वो सोशली बैकवर्ड हों। तो
किसी भी ग्रुप के सोशल बैकवर्डनेस को जज करने के लिए कास्ट इकलौता फैक्टर नहीं हो सकता, ये कहा गया एमआर बालाजी केस में। फिर 1973 में अभी अपन बात करके आए ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल लिमिटेशंस, कि इक्वालिटी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, उसको ट्रेडिशनल लिमिटेशंस के तहत बांधा नहीं जा सकता। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई ग्रुप ऐसा तो नहीं है जो कि सोशली बैकवर्ड है, जो कि पिछड़ा हुआ है, और अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो उसको बराबर लाने के लिए हम अफर्मेटिव एक्शंस ले सकते हैं, हम स्पेशल मेजर्स ले सकते हैं। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस केस ऑफ 1975 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के लिए कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी बट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी, कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट में नहीं है, उसका एक्सेप्शन नहीं है, इनफैक्ट रिजर्वेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी। कोई ऐसा समुदाय है, कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इतना पिछड़ा हुआ है कि वो बराबर भी नहीं आ पाया है, तो उसको बराबर लाने के लिए, उसको इक्वल लाने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, हैंस रिजर्वेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी। और इसी केस में आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ओनली, कि सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई सोशल ग्रुप ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है, किसी पर्टिकुलर रेस से है, या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है और वीकर सेक्शन है या बैकवर्ड क्लासेस में आता है, तो फिर रिलीजन मैटर नहीं करेगा, फिर मैटर ये करेगा कि वो वीकर सेक्शन है, फिर कास्ट मैटर नहीं करेगी, फिर मैटर ये करेगा कि वो बैकवर्ड क्लास है, और इस वीकर सेक्शन को, इस बैकवर्ड क्लास को बराबर लाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए जाने चाहिए, दिए जा सकते हैं। इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन दैट एनी सोशल ग्रुप इफ फाउंड टू बी बैकवर्ड अंडर द सेम क्राइटेरिया एज अदर्स विल बी एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एज अ बैकवर्ड क्लास, कि अगर आपने किसी एक ग्रुप के बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्राइटेरिया लगाया है, तो उस क्राइटेरिया के तहत अगर कोई दूसरा ग्रुप बैकवर्ड प्रूव होता है तो उसको भी सेम वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो दूसरे वाले ग्रुप को दिया जा रहा है, जो उस ग्रुप को दिया जा रहा है जो कि आपने बैकवर्ड क्लासिफाई किया था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक तो सिर्फ कास्ट फैक्टर नहीं हो सकता सोशल बैकवर्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, तीसरा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि रिजर्वेशन इज एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी, और अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो कि पिछड़ा हुआ है, जो कि सोशली बैकवर्ड है, तो उसको बराबर लाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस, अफर्मेटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर किसी एक ग्रुप की बैकवर्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए आप कोई एक क्राइटेरिया लगा रहे हो, तो उसी क्राइटेरिया के तहत अगर कोई दूसरा ग्रुप भी बैकवर्ड प्रूव होता है तो उसको भी वही प्रोविजंस मिलने चाहिए जो कि पहले वाले को दिए जा रहे हैं। अच्छा, स्टेट्स ने मुस्लिम रिजर्वेशन के साथ में कैसे डील किया है, केरला की अगर बात की जाए तो केरला ने 1952 में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया। केरला में मुस्लिम पॉपुलेशन है 22% और 1952 में केरला ने ओबीसीज के अंडर, मतलब विद इन ओबीसीज रिजर्वेशन, 8% रिजर्वेशन दिया मुस्लिम्स को। केरला में ओबीसीज को रिजर्वेशन है 30% का, इस 30% में से 8% केरला ने किसको दे दिया, मुस्लिम्स को दे दिया। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो कर्नाटका ने 1995 में 4% रिजर्वेशन दिया मुस्लिम्स को विद इन दी ओबीसी कोटा। ओबीसी का टोटल रिजर्वेशन कर्नाटका में कितना है, 32%, इस 32 में से 4% कर्नाटका ने किसको दे दिया, मुस्लिम्स को दे दिया 1995 में। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 2007 में तमिलनाडु ने 3.5% रिजर्वेशन दिया विद इन दी ओबीसी ग्रुप टू दी मुस्लिम्स, और तमिलनाडु में ओबीसी रिजर्वेशन कितना है, 30%, तो इस 30% में से 3.5% तमिलनाडु ने किसको दे दिया, मुस्लिम्स को दे दिया। और तमिलनाडु में ये जो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया 3.5%, इसमें अपर कास्ट मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड हुआ करता था तो आंध्र प्रदेश ने 2004 में 5% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था आंध्र प्रदेश के मुस्लिम्स को, और पूरे मुस्लिम्स को दे दिया था, बिकॉज आंध्र प्रदेश ने यह कहा कि आंध्र प्रदेश के सभी मुस्लिम्स बैकवर्ड क्लास में आते हैं, दे आर ऑल बैकवर्ड,
तो सभी मुस्लिम्स को 2004 में आंध्र प्रदेश ने कितना रिजर्वेशन दिया, 5% रिजर्वेशन दिया। लेकिन ये जो 5% रिजर्वेशन दिया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा, इसको हाई कोर्ट ने स्टक डाउन किया। लेकिन स्टक डाउन हाई कोर्ट ने किया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया है इस ग्राउंड पे खारिज नहीं किया, खारिज किया गया टेक्निकल ग्राउंड्स पे। जैसे ये जो रिजर्वेशन दिया गया था 5% का, इसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था, तो ऐसे कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये 5% के रिजर्वेशन को खारिज किया हाई कोर्ट ने, स्टक डाउन किया हाई कोर्ट ने। लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स और सेक्शंस अमंग देम इन नो मैनर मिलिटेट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम्स को या मुस्लिम्स के किसी भी सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो किसी भी तरीके से सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं जाता, बिकॉज मुस्लिम्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, उनके रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था बिकॉज वो बैकवर्ड क्लासिफाई किए गए थे, बैकवर्ड हैं वो, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बाइफर्केट हो गया आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना बन गया। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने 2017 में ओबीसी मुस्लिम्स को 12% रिजर्वेशन देने के लिए बातचीत की, प्रपोज किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तेलंगाना अगर ओबीसी मुस्लिम्स को 12% का रिजर्वेशन दे तो वो 50% की जो कैप लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इंदिरा सानी केस ऑफ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% दिया जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अगर तेलंगाना 12% रिजर्वेशन देता है ओबीसी मुस्लिम्स को तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% की कैप लगाई गई है उसको ब्रीच करेगा, उसको तोड़ेगा, और ये समस्या वाली बात है। तो तेलंगाना ने अपना ये जो प्रपोजल है ये भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि हमारे इस प्रपोजल को आप 9th शेड्यूल में ऐड कर लो, और 9th शेड्यूल के बारे में बातचीत हमने बहुत डिटेल में की हुई है, बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आप जाओगे इंडियन पॉलिटी वाई लक्ष्मी गांधी सीरीज़ में तो आपको बहुत ढंग से देखने को मिलेगा। 9th शेड्यूल की हिस्ट्री बेसिकली ये है कि इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें जो भी सेंट्रल और स्टेट के लॉज को रख दिया जाता है उनको कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स में, जैसे केशवानंद भारती केस के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे एक वामन राव केस के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे एक आईआर कोहिलो केस के बारे में हमने पढ़ा था, और इन वेरियस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन जिस दिन से रखी गई है, मतलब जिस दिन से केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया है, उस दिन के बाद से अगर कोई भी एक्ट 9th शेड्यूल में रखा गया है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेलंगाना ने क्या बोला कि भाई साहब 9th शेड्यूल में रख दो हमारे इस प्रपोजल को, ये जो 12% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं ओबीसी मुस्लिम्स को, आप इसको 9th शेड्यूल में रख दो, और 9th शेड्यूल में रख दोगे तो फिर इसको कोई खतरा नहीं है, इसको कोई हटा नहीं सकता। बट सेंटर ने तेलंगाना के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इसकी वजह से तेलंगाना जो पास करना चाह रहा था, जो प्रपोज करना चाह रहा था, वो पॉसिबल हो नहीं पाया। अब वेरियस कमेटीज़ और वेरियस कमीशन्स क्या कहती हैं, 1980 में बना मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन ने बहुत सारे मुस्लिम कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में ऐड कर लिया था। मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे मुस्लिम कास्ट ऐसे थे जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में इंक्लूड किए जाने चाहिए। फिर 2006 में बनी जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, बड़ी फेमस है सच्चर कमेटी। ये जो सच्चर कमेटी है इसने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी पूरी ही बैकवर्ड है, इनफैक्ट इतनी बैकवर्ड है जितनी एससी एसटी कम्युनिटी बैकवर्ड है। इनफैक्ट सच्चर कमेटी ने ये कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स ओबीसी में ऐड किए गए हैं उनके कंपैरिजन में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। तो ये जो सच्चर कमेटी है ये तो ये कह रही है कि मुसलमान लोग पूरे ही हमारे कंट्री के हद से ज़्यादा बैकवर्ड हैं और उनको ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। फिर 2007 में बनाई गई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी, और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने रिकमेंड किया कि माइनॉरिटीज़ को 15% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इस 15% में से 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुस्लिम्स को। और ये जो ऊपर कमीशंस बनाई गई, कमेटीज़ बनाई गई, उन्हीं की रिपोर्ट्स के बेसिस पे यूपीए की गवर्नमेंट ने 2012 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जिसके तहत माइनॉरिटीज़ को 4.5% रिजर्वेशन देने की बातचीत की गई।
माइनॉरिटीज़ को 4.5% रिजर्वेशन देने की बातचीत की गई है, स्पेशली मुस्लिम्स को 4.5% रिजर्वेशन देने की बातचीत नहीं की जा रही है। और ये जो 4.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा था माइनॉरिटीज़ को, ये ओबीसी कोटा में से दिया जा रहा था। ओबीसी कोटा जो कि 27% था, उसमें से 4.5% रिजर्वेशन किसको देने की बात कर रही थी यूपीए गवर्नमेंट 2012 में? माइनॉरिटीज़ को। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई साहब अभी आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, आचार संहिता वाला कॉन्सेप्ट था। तो बेसिक आइडिया ये है, अपन ने अब तक क्या बात करी, देखो एक तो अपन ने ये बात करी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा परफेक्टली फाउंडेशन ले डाउन करता है और बड़ा फेयर तरीके से कहता है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ ग्रुप है, कोई पिछड़ा हुआ समुदाय है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी लाए जा सकते हैं और उसको रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की हमने बातचीत कर ली। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो सिर्फ कास्ट के बेसिस पर सोशल बैकवर्डनेस को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, दूसरा इक्वालिटी बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, तीसरा रिजर्वेशन इज नॉट एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी। अगर कोई ग्रुप सोशली बैकवर्ड है तो उसको आगे लाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस अफर्मेटिव एक्शंस लेने ही लेने चाहिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर किसी एक ग्रुप की बैकवर्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए कोई क्राइटेरिया फॉलो किया गया है तो दूसरे ग्रुप के बैकवर्डनेस के लिए भी वही क्राइटेरिया फॉलो किया जाना चाहिए। स्टेट्स की अगर बात करें तो केरला ने रिजर्वेशन दिया मुस्लिम्स को, अपने स्टेट के मुस्लिम्स को। ओबीसी में से जो भी ओबीसी का कोटा था 30%, उसमें से 8% मुस्लिम्स को दे दिया गया 1952 में। कर्नाटका ने 1995 में दिया 32% ओबीसी कोटा में से 4% मुस्लिम्स को दे दिया गया। तमिलनाडु ने 2007 में दिया 30% ओबीसी कोटा में से 3.5% मुसलमान लोगों को दे दिया। आंध्र प्रदेश ने 2004 में 5% रिजर्वेशन दिया था पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, ये बोलकर कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बैकवर्ड है आंध्र प्रदेश स्टेट की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था, लेकिन स्टक डाउन किया था टेक्निकल ग्राउंड्स पे। तेलंगाना ने भी 2017 में ओबीसी मुस्लिम्स को 12% रिजर्वेशन देने की बातचीत की थी, लेकिन दे नहीं पाए बिकॉज वो 50% ऑफ द कैप जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रिजर्वेशन के ऊपर उसको ब्रीच करता है। वेरियस कमिटीज़ क्या कहती हैं, मंडल कमीशन ने बहुत सारे मुस्लिम कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड किया। सच्चर कमेटी बेसिकली ये कहती है कि मुसलमान लोग जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हद से ज़्यादा बैकवर्ड है, इनफैक्ट कुछ नॉन मुस्लिम ओबीसी जो कि लिस्ट में इंक्लूडेड हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है मुस्लिम कम्युनिटी। तो एक तरीके से सच्चर कमेटी तो ये कह रही है कि सभी मुसलमान लोगों को ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड करके रिजर्वेशन दे सकते हो आप। 2007 में रंगनाथ मिश्रा की कमेटी थी और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने माइनॉरिटीज़ को 15% रिजर्वेशन देने की बातचीत की और इस 15 में से 10% मिलना चाहिए मुस्लिम लोगों को, ये कहा। और इसी बेसिस पे यूपीए गवर्नमेंट ने 2012 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू माइनॉरिटीज़ को 4.5% रिजर्वेशन की देने की बातचीत की, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को बोला कि अभी आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ये बेसिक आइडिया है। और एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया आर्टिकल ने जाते जाते कि आर्टिकल 341 और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट में सिर्फ हिंदूज को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन फिर 1956 में सिख लोगों को इंक्लूड कर लिया गया शेड्यूल कास्ट में, 1990 में बुद्धिस्ट लोगों को इंक्लूड कर लिया गया शेड्यूल कास्ट में। तो एक तरीके से ये जो सिख लोग इंक्लूड किए गए, बुद्धिस्ट लोग इंक्लूड किए गए शेड्यूल कास्ट में, इनको अब रिजर्वेशन मिलेगा। क्या ये रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं है? मुस्लिम लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है तो क्या उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए? और ऐसे ही कुछ सवालों के साथ ये आर्टिकल कंक्लूड हो जाता है। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी खूबसूरत तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरीके से ये जो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है इसके हिस्टोरिकली हम कैसे प्रोग्रेस हुए हैं, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, कमिटीज़ के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और स्टेट्स ने कैसे डील किया है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, एक बार ये देखो और पढ़ सको तो पढ़ भी लो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।